नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के बाद में अब 2019 को लेकर के सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में जनता की राय जानेंगे कि अगर मोदी वर्सेज प्रियंका का ये मुकाबला होता है तो वो क्या देख रहे हैं, क्या मोदी वर्सेज प्रियंका का ये मुकाबला हो जाने के बाद में मुकाबला जो है 2019 के लिए प्रधानमंत्री के लिए कितना कड़ा होगा। हाँ, क्या कहती है आपकी राय, मोदी वर्सेज प्रियंका? प्रियंका ही मानता हूँ मैं तो। प्रियंका जी क्यों? प्रियंका एक यंग आइकॉन है। हाँ। और मोदी जी तो चुके हुए हैं, लेकिन मोदी जी भी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने लोग हैं वो। मैं आप आने वाले 2019 के इलेक्शन के लिए पूछ रहे हैं, मैं अभी है की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी चॉइस प्रियंका है। आपकी चॉइस प्रियंका जी? मेरी। आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में चुनाव भी लड़ना चाहिए? अगर जो वो लड़ती है तो ये यकीनन बहुत अच्छी टक्कर देंगी। अच्छी टक्कर देंगी जी। क्या राय है आपकी, अगर मोदी वर्सेज प्रियंका मुकाबला होता है तो क्या होता है फिर? सर जी, 4.5 साल हो गए मोदी जी को सत्ता में जो है प्रधानमंत्री, पर मोदी जी ने आज तक ये नहीं माना कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ। मोदी जी ने जो है अब ये हमेशा 365 दिनों में 200 दिन तो चुनाव प्रचार में लगाया, वो भी सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार करने में लगाया। जो है हर राज्य में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री जो है वहाँ प्रचार के लिए चला जाता है, जब यहाँ देश का काम छोड़ के राज्यों के प्रचार में, मुख्यमंत्रियों के उसके प्रचार में। जब आप यहाँ सेंटर में प्रधानमंत्री आप हो और वहाँ मुख्यमंत्री वो राज्यों को चला रहे हैं, अगर आप वहाँ प्रचार करने खुद चले जाओगे उनके, तो उनके काम काज का आंकलन कैसे करोगे आप? चलिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है प्रचार में ज्यादा बिजी रहते हैं, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मोदी जी को दोबारा चांस मिलना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम किसी बंदे को 4 साल में क्या आंक सकते हैं। हाँ। हाँ, बस मैं ये बोलूंगा कि एक बार उन्हें चांस मिलनी चाहिए। हाँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना उन्होंने काम किया है 4 साल में उसके हिसाब से काफी है। क्या लग रहा है, अगर मोदी वर्सेज प्रियंका गांधी वाराणसी में मुकाबला हो जाता है क्या रहेगा फिर? फिर से नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, हम लोग को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और करेंगे भी, इसलिए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए और वाराणसी से वही जीतेंगे नरेंद्र मोदी। प्रियंका गांधी वर्सेज नरेंद्र मोदी, अगर वाराणसी में मुकाबला होता है तो क्या लगता है आपको, प्रियंका गांधी भारी पड़ेंगी मोदी जी पे या मोदी जी भारी पड़ेंगे? नहीं, मोदी जी ही भारी पड़ेंगे, लेकिन टक्कर तो देंगी प्रियंका गांधी जरूर। अच्छा, और बेसिकली मैं बनारस के बगल से ही हूँ। हाँ, कहाँ से आप? मैं जौनपुर जिले से हूँ। अच्छा। हाँ, तो विकास कार्य तो किए हैं मोदी जी ने वहाँ बनारस पर। हाँ। लेकिन टक्कर तो होगी पक्का, और उसमें विजय भी मोदी की ही होगी, ये तो निश्चित है। क्या लग रहा है दोबारा से 2019 में जिस तरह से अब जो है अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, कांग्रेस जो है वो अब प्रियंका गांधी को उतार के ये करेगी फ्रंट फुट पे हम खेलेंगे, SP BSP का गठबंधन हो गया है, क्या 2019 में मोदी जी की वापसी होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, इस बार देखिए क्योंकि गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, गठबंधन की विजय निश्चित है। अच्छा, इस बार गठबंधन कितनी सीटें लेके चले जाएगा? गठबंधन की सीटें देखिए, नहीं उत्तर प्रदेश में अभी मुश्किल है। क्या लग रहा है प्रियंका वर्सेज जो है नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो रहा है? मोदी वर्सेज तो ऑल भी नहीं कहीं टिक रहे, वो तो अकेली क्या टिकेगी। कोई भी लड़ेगा चुनाव तो हारने के लिए कोई लड़ता नहीं। अब एक दवाई फेल हो जाए तो दूसरी लेते हैं, कांग्रेस को कहना चाहिए कि हमारा पप्पू फेल हो गया, इसलिए हम दूसरा दवाई आजमा रहे हैं वहाँ पर, वो लड़ेंगे तो और इजी हो जाएगा चुनाव मोदी जी के लिए यूपी में। यदि प्रियंका गांधी और कांग्रेस सब सीट पे लड़ती है तो और इजी हो जाएगा। और मोदी जी का मुकाबला तो आप ऐसे लाइव कहीं मंच लगवाकर कोई भी विषय देकर जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है सबसे बुलवाना चाहिए। लग रहा है कि 2014 में जिस तरह से मोदी जी की वापसी जीत हुई थी उससे ज्यादा सीटों से होगी? जितनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है होनी ही चाहिए और होगी। हाँ जी, बताइए क्या कहती है आपकी राय? बिल्कुल सही है, मोदी जी आएंगे और पूरी पूर्ण बहुमत से आएंगे यूपी में भी, हर जगह, मतलब उनका जो काम किया है आज, योगी जी या मोदी जी दोनों को होना बहुत ही जरूरी। सपा बसपा का जिस तरह से गठबंधन हुआ है तो मुश्किल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे और ज्यादा इनका वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि पब्लिक जो है ना वहाँ की सब जाग चुकी है। हाँ। आज योगी जी और मोदी जी को सभी लोग चाह रहे हैं। हाँ। जी, आज जिससे क्रम में कहराना में जिस तरह से हार हुई, 25 साल का जो गोरखपुर में खेला गया, पता नहीं वहाँ किस तरीके से कैसे हुआ वोटिंग से, उसके बारे में पब्लिक नहीं जानती है, लेकिन यहाँ के बारे में बता रहे हैं, यहाँ के जो भी है यहाँ पूर्ण रूप से योगी और मोदी जी आएंगे। जी बताइए, बोलिए, प्रियंका वर्सेज नरेंद्र मोदी क्या लग रहा है आपको? अगर प्रियंका का सपोर्ट बनारस में सपा और बसपा कर देंगे तो नरेंद्र मोदी को सेकंड पोजीशन पाने के लिए भी भारी हो जाए, क्योंकि वहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उत्तर प्रदेश छोड़िए सब कुछ, आप विधानसभा 2017 का देख लीजिए, अगर आप उसका सिर्फ दोनों पार्टियों का वोट जोड़ दीजिए तो नरेंद्र मोदी से 20 पड़ती है। उस समीकरण से अगर लोग चुनाव आज लड़े तो 41 सांसद उनके हो जाते हैं, सिर्फ सिंपल से उसी समीकरण 2017 के, अगर 2014 में लड़ते तो 37 सांसद हो जाते हैं। और समीकरण ही सब कुछ होता है, समीकरण प्लस आपका टैक्टिक्स। टैक्टिक्स ये है कि नरेंद्र मोदी
सब सवालों के जवाब दे देते हैं, लेकिन सवाल पूछता कौन है? सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं। आप कैसे राफेल का नाम बनाने के लिए आप अलग अलग इशू उठा लेते हैं? राफेल का नाम बताने में क्या है? आप प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े नेता, हमारे भी प्रधानमंत्री है, मैं कोई उनसे घृणा नहीं, हमारे सबसे अच्छे लीडर है, लेकिन आप जवाब देने से क्यों भागते हैं? आप कहते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। ठीक है, कांग्रेस ने किया उसका अपना, इसीलिए तुम आपको चुन के लाए हैं, हम भी 2014 में आपको वोट दिए, लेकिन अब आपकी छवि नहीं कि मुझे लगता है कि आपको वोट देने मेरा वोट बेकार ही गया। आप जिस हिसाब से शिक्षा का बजट 27% घटा दी, यहाँ पे सबके बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन इन लोगों को शायद ये बात पता हो, इनको ये बात पता हो, गाय गोबर करती है, लेकिन ये नहीं पता होगा शिक्षा का बजट 27% नरेंद्र मोदी सरकार घटा दिया। अप्रैल से लेकर अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं कर पाई, और सपना भी सुगुरु का है। लेकिन बीजेपी तो कहेगी ना प्रियंका गांधी आ गई, राहुल गांधी पहले से ही है, सोनिया गांधी थी, परिवारवाद बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़ रहा है, लेकिन ये परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी में देख लीजिए, वसुंधरा राजे देख लीजिए, शिवराज सिंह का बेटा देख लीजिए, अब रमन सिंह के बेटों को देख लीजिए, और सबको छोड़िए, यशवंत सिंह का बेटा जयंत सिंह जो सिन्हा जो उनका बेटा जयंत वित्त मंत्रालय में, ये लोग परिवारवाद है, ये लोग कौन से कहाँ से घर से आए? अब ये ले लीजिए, आज ही आंकड़ा देख रहे थे एक वेबसाइट पे, जिसमें 20% परिवारवाद बीजेपी में 2014 में है, उसका बात नहीं होगा। और जो शिवसेना क्या है और जो आप बादल परिवार क्या है, वो परिवारवाद नहीं दिखता इनको। आपको क्या लग रहा है यूपी में जो है किसकी कितनी कितनी सीटें रहेंगी? मेरे अनुमान से मुझे लगता है अगर सिर्फ 2017 के वोटर के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी कम से कम 40 सीट कम से कम घाटा उसको होगा, 40 सांसदों का, 30 पा जाए बहुत बड़ी बात है, अगर 2% और पा जाए मैं गारंटी दे रहा हूँ 55 सांसद सपा और बसपा हो जाएंगे। बीजेपी इससे अब तक देख ली, उनके बड़े लीडरों का भाषा देख ली, किस हिसाब से बोल रहे हैं, साहब सचुंदर फला ढेका, उनकी भाषा तो कम से कम ढंग का हो। आप भारत के सबसे बड़े, नरेंद्र मोदी कैसी भाषा बोलते हैं? आप विपक्षियों को देख लीजिए, विपक्षी चाहे अच्छे बुरे, लेकिन विपक्ष है, उनको तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चलिए आपकी राय क्या है? मैं पहला बार लोकसभा चुनाव पिछले बार दिया था, अभी अपने वोट दिया था जी, वोट दिया था अपने पूरे फैमिली के विरुद्ध, सब या तो बिहार में या तो, मैं बिहार से हूँ, वहाँ पे या तो जेडीयू या आरजेडी का टक्कर रहता है, लेकिन मैंने अपने पूरे फैमिली का बात नहीं मान के बीजेपी को वोट किया, पहले बार मैं लोकसभा में वोट किया। लेकिन जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी या उनके सरकार, बीजेपी सरकार, मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई भी वादा निभा सके, इसलिए मेरा माइंड इस बार चेंज हो चुका है, मैं इस पार्टी को तो वोट कभी नहीं करूँगा। देखिए ये आपके सामने कह रहे हैं कि पूरे परिवार से जो है विरोध होकर के मैंने मोदी जी को वोट दिया, लोग नहीं करेंगे। लोग यहाँ ऐसी ऐसी बात उठाते हैं, कोई प्रोफेसर नियुक्त नहीं हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दी है, जो वहाँ किस तरीके से भर्ती होगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस नहीं हो जाती भर्ती कैसे कर लेते? कल अखबार के अंदर आया है, बिल्कुल कोर्ट के अंदर लंबित पड़े मामले, बिल्कुल बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का ये कहना ही झूठ है कि मोदी वर्ते सब, मोदी में 40 से ज्यादा पार्टियां गठबंधन की है, हर स्टेट का अलग अलग गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार है, बादल परिवार है, शिवसेना है, तो मोदी अकेले नहीं है। पहली बात तो रोना रोए मत, मैं अकेला ऐसा कुछ नहीं है, चोर वर्से चोर है, मेरे नजर में सब पार्टी जो है 400 सीट करती है। और अगली बात नियुक्ति का, सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का नियुक्ति कह रहे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति ध्यान से पढ़ लीजिए, जो 50% रिजर्वेशन है उसको समाप्त करने का ढंग से जरिया है सुप्रीम कोर्ट का, हां वो बेकार, जो पहले सिस्टम था यूनिवर्सिटी को यूनिट मांग के करते थे वो बहुत अच्छा सिस्टम था, उसमें रिजर्वेशन को सही तरीके से वर्सेस नरेंद्र मोदी, अगर ये मुकाबला वाराणसी में होता है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? यदि अभी प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी हो जाए, प्रियंका क्लीन स्वीप कर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखती है, जो इंदिरा गांधी पाकिस्तान को दो भाग में डिवाइड किया, जिसने देश के लिए जिया और देश के लिए मरा, लेकिन आज की नेता जो है वो देश के लिए नहीं मरते हैं, उसी अपने लिए मरते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, आपको मैंने भी वोट दिया था, लेकिन इस बार नहीं दूंगा, इस बार नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? सबको एक्सपेक्टेशन हाई थे, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ चुनाव में प्रचार किया, देश के लिए कुछ नहीं किया। यदि आपको प्रचार के लिए मुझे चुनना था तो मैं तो अध्यक्ष किसी का चुन लेते या प्रधानमंत्री ने चुनते, आप अध्यक्ष हो जाते, प्रचार करते रहते, आज तक नहीं देखे हैं प्रधानमंत्री से प्रचार करते, काम जीरो। कोई भी पॉलिटिकल नेता है तो प्रचार करेगा ना, करेगा, देखिए प्रधानमंत्री को प्रचार करना चाहिए, अपने पार्टी के लिए करेगा, आप क्या कीजिएगा, 90% पार्टी के लिए कीजिएगा, 10% देश के लिए कीजिएगा, ये कहां का रूल है? 90% देश के लिए कीजिए और 10% पार्टी के लिए कीजिए। आप देखिएगा गुजरात का हो गया, कहीं पर भी स्टेट का चुनाव होता है, मोदी जी इसको सबसे आगे, किसी मंत्री का आप नाम नहीं जानते, एक आदमी बाय चांस मोदी जी हार गए, फिर भाजपा में कोई नेता नहीं बचेगा 50 साल के लिए आने के लिए फिर से। नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी, अगर वाराणसी में मुकाबला होता
होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? प्रियंका गांधी। क्यों सर? एक युवा चेहरा है, युवा चेहरा है, गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी देश के लिए और प्रियंका जी आई है, उससे अलग एक छवि बनी है यूपी में और प्रियंका जी टक्कर दे सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्लियर टक्कर देंगी सामने खड़े होकर। अगर मोदी जी के अंदर दम है तो खुला चैलेंज करते हैं प्रियंका जी से इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रियंका तो कह रही तैयार है। अच्छा आ जाए, बताइए आपकी क्या राय है। देखिए सर, सर मैं बहुत सच्चे दिल से बोल रहा हूँ भाई साहब। सर मैं आपको इतनी छोटी बात करता हूँ, प्रियंका तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थी। आज आप प्रियंका हमेशा तमाम चुनाव में जाती है। अभी जो चुनाव एमपी और राजस्थान के हुए, जो चीफ मिनिस्टर जो सिलेक्टेड हुआ वो बाड्रा और प्रियंका के कहने पे हुआ अशोक गहलोत, बिकॉज पहले जो लैंड यूज हुआ था उसकी वजह से हुआ। और प्रियंका मोदी के सामने कुछ भी नहीं है जी। मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अगर मोदी के अगेंस्ट खड़ी होगी तो उसकी जमानत जब्त होगी बनारस में। बनारस में आके जाके देखो, मैं जनता दल यू के दिल्ली प्रदेश में मैं महासचिव हूँ। नीतीश कुमार जी आदरणीय जब अलग थे महागठबंधन में, तब भाजपा को डर था कि कहीं नीतीश कुमार अगर पीएम कैंडिडेट चेहरा हो गए तब फिर जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार जी को तो मोदी जी मिला लिए, तब महागठबंधन के अंदर कोई चेहरा तो है नहीं। लेकिन हाँ, प्रियंका जी को नया एंट्री हुआ है, प्रशांत किशोर जी इसके लिए स्वागत किए हैं कि नया इनका राजनीति में वो हो रहा है। लेकिन कुछ अब इसे बीजेपी को कांग्रेस को मजबूती मिलेगा, लेकिन अभी तक मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। स्पष्ट बात है, कांग्रेस के पास, सपा के पास, भाजपा के पास। अगर, अगर प्रियंका चेहरा बनती है तो कुछ होगा, थोड़ा टक्कर होगा, बिल्कुल टक्कर होगा थोड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ मोदी वर्सेज प्रियंका गांधी, मोदी वर्सेज प्रियंका गांधी की मैं बात ये बोल रहा हूँ कि आप सब लोग बोल रहे हैं चेहरे की बात, चेहरा कुछ नहीं होगा। चेहरे से एक बार जीत गए मोदी जी, अगर इस बार जितने लोगों का गुस्सा है वो तीन राज्य में दिख गया है, चेहरे से कुछ नहीं होता है। अगर आप काम नहीं करोगे, चाहे मोदी हो, प्रियंका हो या राहुल हो, कोई भी अगर पार्टी अगर काम नहीं करेगा तो जनता उसको वोट नहीं देगी, चेहरे से कोई वोट नहीं देगा। ये सारे पार्टी के लोग, आज मैं बोल रहा हूँ सारे पार्टी के लोग, आप सोच लो, आप लोग भी सोचो कि चेहरे से वोट मत दो, काम करने वाले नेता को मत दो, चाहे वो कोई भी हो। एक चीज है, देखिए इन्होंने बहुत शानदार बात कही है और इसी बात के साथ में आप जो है बातचीत को यहाँ पर खत्म करेंगे। पार्टी को नहीं, चेहरे को नहीं, काम को देख करके वोट दे, और जिस दिन ये हो जाएगा यकीन मानिए देश का हर सांसद जो है वो काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, अगर मोदी वर्सेज प्रियंका गांधी ये मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री 2019 में, किसकी बनेगी सरकार? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।